हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वन एकेडमी। आवाज आ रही है? मैं दिखाई दे रहा हूँ? सब कुशल मंगल? सारे बच्चे आ गए जल्दी जल्दी, बहुत तेज चीते की फुर्ती के साथ। यूट्यूब ऐड यार, ये बना बड़ा अजीब लगता है। अपने सेशन देखने जाओ और पहले ऐड देखो। चलो भाई आ गए सारे बच्चे। आज सारे न्यू नए वर्ड हैं, तो आज का सेशन बहुत धमाकेदार है। बहुत सारे नए वर्ड हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि पहले शुरू में पुराना बच्चा होता है। तो पुराने बच्चों, तुम तो आज सेशन एक क्वेश्चन के लिए भी नहीं छोड़ना, क्योंकि हाँ, क्योंकि सारे नए वर्ड हैं। तो बत्तू जी आ गए हैं यहाँ पे, शोभा, पप्पू, चिंची, बत्तू, सारे बच्चे आ गए। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। हाँ जी, मुझे शेयर कर दो जल्दी जल्दी। मैंने तो शेयर कर दिया जल्दी जल्दी, बस आप भी शेयर कर दो। सो हियर वी गो, स्टार्ट करते हैं सेशन। नाम आपको अब पता ही है मेरा, रोज़ रोज़ बताता हूँ मैं, ठीक है। 10 साल से अलग अलग कंपैरेटिव एग्जाम्स में पढ़ा रहा हूँ। बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट बात, भाई देखो, अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के प्राइस बढ़ने वाले हैं, ठीक है। और अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन में आपको बहुत कुछ मिल रहा है, ये तो मैं आपको लगातार बताता हूँ इन सब चीज़ों के बारे में, कि आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी अन अकेडमी पे, और जो है मॉक टेस्ट आपके पास बेशुमार होंगे, अनलिमिटेड एक्सेस होगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे। ये बात तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, और ये आपको 300 रुपये पर मंथ में मिलेगा। अभी आपके पास इससे भी बढ़िया ऑफर है, क्योंकि जो सुपर, जो हमारे यहाँ के टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी के, उनके बैचेस लॉन्च हो गए। 23rd of June को ये बैच आ रहा है, ये सारे टॉप एजुकेटर्स के हैं, ये सारे बैच आपको मिल जाएंगे इसमें, जिसमें आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा। सोचो 30+ बैचेस तुम्हें मिल जाएंगे फ्री में, ठीक है। मतलब एक ही सब्सक्रिप्शन में 300 क्लासेस होंगी आपकी पर डे, 70+ एजुकेटर्स होंगे, 40,000 आपको घंटे मिलेंगे, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन, और 90% लोगों ने इसको मतलब अप्रिशिएट किया। तो संकल्प बैच भी इसमें आपका आ जाएगा, सफलता बैच भी आ जाएगा, और अभिनय शर्मा के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जितने बैचेज हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो जो ऑफर है वो दो ऑफर है। एक तो यह है कि सीईटी एग्जाम आपको पता है नोटिफिकेशन कभी भी आ जाएगा, और इस साल मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर नवंबर में ही एग्जाम होना है। तो इसके लिए आपको, अगर जब ये नोटिफिकेशन आएगा और खरीदने जाओगे ना, तो ये बहुत महंगा होगा, ठीक है। अभी आपको 7,999 में मिल रहा है, और 2 साल का 9,999 में मिल रहा है। इस पर ये कूपन कोड लगा देना Danish10, और इसे इसी महीने से पहले पहले खरीद लो, खत्म होने से, नेक्स्ट मंथ से इसके सबके प्राइजेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। हाँ देखो लिखा है प्राइस हाइक फॉर कॉम्बो, लो 23rd June से तो शायद बढ़ गए हो, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। बहुत जल्दी ये प्राइजेस बढ़ जाएंगे, तो ध्यान रखना, जिसको लेना है दिस इज़ द बेस्ट टाइम। चलो अभी हाँ, बस एक कूपन कोड याद रखना, ये तुम्हें मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा, Danish10, ये कूपन कोड ले दोगे तो जो भी मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। सो लेट्स मूव फर्दर और बात करते हैं किसकी, आज के सेशन की। हाँ आपसे पिछले क्लास में कुछ बोले हैं क्या? नहीं समझा नहीं यार, क्या बोले तुम? हाँ अच्छा, देखिए भाई आज क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। आज है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और कितने हैं? एक नहीं है। आज इस क्लास में कवर होंगे 70, लगभग अराउंड 70 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और जिसमें से आप मान के चलिए आपको मिलेंगे 25 बिल्कुल न्यू वर्ड। तो मान के चलिए 50 क्वेश्चंस का आप कर लेंगे अपने रिवीजन, 50 रिवीजन हो जाएंगे आपके वर्ड्स, और 25 क्वेश्चंस आपको नए मिल जाएंगे। तो इसलिए सेशन बहुत जोरदार सेशन है, जोरदार, धमाकेदार, एकदम टाइगर सेशन चीते बच्चे के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके प्यार में, जल्दी से आंसर बताइए, व्हाट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट आंसर, ऑल द बेस्ट। लेट्स सी कौन बताता है पहला आंसर। बहुत बुरी हालत हो रही है वहां, 500+ बच्चे एकदम बीमार है। कहां पर हो रही है भाई बुरी हालत? अच्छा राजस्थान में, ओ तेरी। हाँ तो पहला आंसर आया है मेरे पास इलीगल मनप्रीत का, दूसरा आंसर आया है इतांशी का, ए नैन्सी रहेजा बता रही है सी, और मजेदार बात यह है कि आंसर इसका है बी। सबका गलत हो गया भाई, जिसने भी अब मेरे बाद आंसर देखा उसका गलत हो गया। ये क्वेश्चन कल मैंने 4 बजे मॉक टेस्ट में कराया था, आप भूल गए। इंटिस्टेट का मतलब होता है कि आप मर गए, डाई
विदाउट अ लीगल विल, आपने अपनी वसीयत तैयार नहीं करवाई और आप मर गए, ठीक है, तो उसे बोलते हैं एंटीस्टेट डेथ, ठीक है। इलीगल आपको पता है जो कि गैर कानूनी हो, नॉट लीगल, नॉट लीगल, ठीक है, नॉट लीगल। तो ये खाली विल के लिए नहीं होता है, ये तो सिर्फ विल के लिए पूछ रहा है, ये सिर्फ विल, ये तो सब चीजों के लिए होता है भाई, जैसे गांजा चरस अफीम इस सब का कारोबार करना या लेना क्या है, ये इलीगल है, तो इलीगल तो इलीगल है, तो ये खाली खाली विल के लिए बात नहीं हुई है। इंटर स्टेट का क्या मतलब होता है? बिटवीन स्टेट्स, बिटवीन स्टेट्स, जैसे तुमने देखा होगा ना इंटर स्टेट्स बसेस जो चलती हैं, इंटर स्टेट बस टर्मिनल होता है, ISBT जिसे हम बोलते हैं, है ना। तो टेस्टिमनी क्या होता है? टेस्टिमनी का मतलब होता है जैसे मान लो कि आज तुम बढ़िया से सिलेक्शन पा लो कहीं पे, और सिलेक्शन पाने के बाद मैं तुमसे कहूँ भाई अब तुम मुझे टेस्टिमनी लिख के दो, तो तुम मुझे लिख के दोगे कि सर आपने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया, आपने जो पढ़ाया वो एग्जाम में आया और मेरा सिलेक्शन हो गया, दैट इज कॉल्ड टेस्टिमनी। तो टेस्टिमनी क्या होता है? जब हम किसी को होमेज प्रदान करते हैं, होमेज या ट्रिब्यूट, फेवर, ऑनर, ये सारे टेस्टिमनी होते हैं, ठीक है। तो आंसर इज बी, समझ में आया? थम्स अप दीजिए, डाउट है तो पूछिए, पहले पेज पे मिले आपको, तुम खुश हो जाओगे। आज की कट ऑफ है आउट ऑफ 20 सिर्फ 13, 13 इज दी कट ऑफ, 13 नंबर ले आओ। चलो बताओ आंसर जल्दी से, बहुत कम कट ऑफ है, 65% कट ऑफ है, और वो भी विदाउट नेगेटिव मार्किंग, तो सोचो क्या जबरदस्त सेशन होगा। अच्छा बी बी बी, कुछ बच्चे डी बता रहे हैं, बी और डी में बच्चों के है डाउट, तो लेट्स सी क्या होता है। आंसर इज डी, एमिशरी। एमिशरी कौन होता है? ये मैसेंजर होता है, ये मैसेंजर होता है, और ये कौन सा ऑफिशियल होता है, फॉर्मल, फॉर्मल या फिर ऑफिशियल मैसेंजर, जिसे आप दूत भी बोलते हैं ना कि भाई इनका दूत आया था, दूत ही मरवा दिया, तो वो होता है एमिशरी। आर्बिट्रेटर कौन होता है? मीडिएटर, बिचौलिया, जो किसी बात को, किसी मुद्दे को सॉल्व कराता है दो लोगों के बीच में, दो पार्टी के बीच में बैठकर, आर्बिट्रेटर होता है। जैसे मान लो दो भाई भाई लड़ जाते हैं, तो क्या होता है, बहन आती है, अब तूने इसके साथ ये किया था, तूने ये किया तभी तो इसने किया, तो वो कौन है? आर्बिट्रेटर होती है। प्रोसिलीट का क्या मतलब होता है? हु हैज गिवन अप हिज बिलीव्स, ठीक है, अपनी बिलीव्स उसने खो दी है, एंड ज्वाइंस समवन एल्स, और किसी और को ज्वाइन कर लिया। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में थे, या आप किसी धर्म से थे, आपने अपना धर्म या पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी या धर्म अपना लिया है, तो आप प्रोजिलीट हो गए, ठीक है, प्रोजिलीट हो गए। लेकिन टर्न कोड क्या होता है? ये टर्न कोड भी एग्जैक्टली यही होता है, पर ये किसको ज्वाइन करता है? ये ओपोनेंट को ज्वाइन करता है, विपक्ष को ज्वाइन करता है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मैं अगर समाजवादी पार्टी में हूँ और मैंने समाजवादी पार्टी के ही किसी अलायंस को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, तो मैं क्या हो जाऊंगा? प्रोजिलेट हो जाऊंगा। टर्न कोड में तब होऊंगा जब मैं समाजवादी के एंटी पार्टी को ज्वाइन करूंगा, ठीक है। तो टर्न कोड, प्रोजिलीट सिनोनिम्स होते हैं, डिफरेंस ये है कि ये ओपोनेंट को ज्वाइन करता है, टर्न कोड, और प्रोजिलीट कोई भी। समझ आया? थम्स अप दे दीजिए, डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ, स्पाई कैन बी एन इमिशरी, बिल्कुल सही बात है, इमिशरी स्पाई भी होता है तभी तो, जैसे रॉ के एजेंट होते हैं वो एमिशरीज होते हैं, बाहर जाके रहते हैं और सारी इंफॉर्मेशन देते हैं रॉ। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर बताइए, अब लाइक कर दो जल्दी से, जितना बच्चा देख रहा है, मैं बीच में रुकवा के तुमसे लाइक और शेयर कराऊंगा तो मुझे भी मजा नहीं आएगा, है ना। जल्दी से लाइक कर दो जितना बच्चा देख रहा है, फटाफट तभी बताऊंगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर बताओ बहुत तेज, चीते की फुर्ती के साथ। हाँ भाई, आंसर आया ए ए ए, तो कुछ ने डी भी आंसर दिया, जैसे मुकेश यादव। तो मजेदार बात यह, अब मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा भाई, ठीक है, किसी ने तो सही आंसर दिए लगातार। एक्सपैट्रिएट इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फ्यूजिटिव कौन होता है? हाँ, ये कौन होता है? अ पर्सन लिविंग इन अ कंट्री दैट इज नॉट इज ओन, जो दूसरे की कंट्री में बाहर से रहने आया है, ये एक्सपैट्रिएट होते हैं, ठीक है, किसी और की कंट्री में रह रहा है, अपनी कंट्री छोड़ के। फ्यूजिटिव कौन होता है? भगोड़ा, ठीक है, भगोड़ा। हु Has
हैज रन अवे, जो भाग गया है, भगोड़े को फुजिलिटी बोलते हैं। आइटिनरेंट कौन होता है? ये ट्रेवलर होता है ना। और जिप्सी, जिप्सी होते हैं बंजारे, नोमैड, बंजारे, जिप्सी, जो कबीले वाले होते हैं, ट्राइबल होते हैं। बेसिकली जिप्सी एक ट्राइब का ही नाम है, जो अमेरिकन ट्राइब थी जिप्सी, तो ट्राइब को ट्राइबल, नोमैड, ये सारे जिप्सी के सिनोनिम। तो आंसर इज ए, समझ में आया था हम सब, दीजिए डाउट। हाँ जी, हाँ, फुजिटिव को भगौड़ा, भाई भगौड़ा ही बोलते हैं उस हिंदी में, तो यही वर्ड है उसके लिए। अब हमारी हिंदी जो लैंग्वेज है ना, वो थोड़ी ब्लंट है ना, इंग्लिश जो है ना वो थोड़ी डेलिकेट है। हिंदी में यह जो आए हुआ है, भटैक से बोलो, अच्छा लगे या बुरा लगे। अंग्रेजी में प्लीज काइंडली, है ना, ये थोड़ा ज्यादा है। आ जाओ भाई सारे के सारे। हाँ, ए बता रहे हैं बच्चे, इसका भी आंसर। हाँ चलो, आप तुमने अच्छे अच्छे आंसर देना शुरू कर दिए। वन हु ऑब्टेन प्लेजर फ्रॉम रिसीविंग पनिशमेंट, कहने का मतलब है तुम उसे मारोगे इसे मजा आएगा, मार मेरे को, मार मुझे अच्छा लगता है, मेरे को मार, ये वो लोग हैं जिनको पेन में मजा आता है। तुमने देखा होगा खास तौर से लड़कियां होती हैं, वो अपना कान पांच पांच जगह से छिदवा लेती हैं, ठीक है, पायर्सिंग कराती हैं। वन टू, आई हैव अ फ्रेंड ऑफ माइन जिसकी पांच जगह से पियर्सिंग है, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। तो मैंने उसको बोला, यार तेरे को सुनाई भी आती है या नहीं, कन्फ्यूज हो जाती होगी ना, कौन से चेस से सुनेगी, है ना, शी हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ होल्स इन दी एयर। तो उसको क्या बोलते हैं, मैसोचिस्ट, ठीक है। तो कह रही, यार मज़ा आता है बस, मुझे तो अच्छा लगता है कितना आई हैव, मैंने कहा मज़ा आता है छेद कराने में, ठीक है। तो पीपल आर लाइक दैट, मैसोचिस्ट कौन होते हैं, हु लव्स टेकिंग पेन, उनको पेन लेने में मज़ा आता है। रेसलर्स बनते हैं बेसिकली ऐसे लोग। हेडोनिस्ट कौन होते हैं, हेडोनिस्ट को मज़ा आता है प्लेजर में। हु टेक्स, हु, ये बहुत बढ़िया वर्ड है हेडोनिस्ट, और ये सभी को याद होना चाहिए, मतलब हु टेक्स और लिव्स फॉर प्लेजर, ये मजे के लिए जीता है। ये कहता है भाई जिंदगी का मतलब ही है मजे करो और मजे कराओ, हेडोनिस्ट, है ना। मतलब ये भगवान में माने या नहीं माने, बट ही इज वेरी कूल, ये चाहता है आप भी ऐश करें और हम भी ऐश करें, ये होता है हेडोनिस्ट। हेरेटिक कौन होता है, हेरिटिक का मतलब होता है, हेरिटिक का मतलब होता है हु गोस अगेंस्ट, जो हु गोस अगेंस्ट किसके अगेंस्ट, अथॉरिटी या फिर बिलीव्स, जो वेल सेट अथॉरिटी है, बिलीफ है। जैसे कल कोई आदमी आके कहे, ये क्या मतलब आप भ्रूण हत्या करते हैं, और हरियाणा में जाके वो एकदम लड़ाई शुरू कर दे कि मैं ये सब नहीं होने दूंगा, तो वो हेरेटिक है। जैसे सनी देओल दिखाया घातक में, उसने कहा ये मुंबई में हो रहा है ना, बनारस में नहीं होता था, मैं यहाँ नहीं होने दूंगा, हेरेटिक। अच्छा, एमेरिटस कौन होता है, एमेरिटस एक ऐसा आदमी होता है जिसने अपनी पोजिशन छोड़ दी है। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोफेसर है, लेफ्टिनेंट है, आर्मी जनरल है, अब वो रिटायर हो गया, बट अभी भी उसके पास वो पोस्ट है, ठीक है, रिटायर्ड बट होल्डिंग द पोस्ट, तब भी उसने पोस्ट होल्ड कर रखी है। होल्डिंग द पोस्ट कैसी, कैसे होल्ड कर रखी है उसने, ऑनरेरी, मतलब उसे अब सैलरी मिले नहीं मिले, पर हाँ उसे माना जाता है भाई प्रोफेसर साहब है, जनरल साहब है। समझ में आया था हम सब, दीजिए डाउट है तो पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहे हो जानू, क्या बात है। हाँ भाई देखो, पेन और पेंसिल लेके बैठोगे तब मजा आएगा, नोट करोगे तभी तो मजा आएगा। अब सोचो जरा, अभी पांच वर्ड पे आते आते मैंने इतना सारा एक्सप्लेन कर दिया, तो कितने सारे वर्ड तुम्हें मिल गए, तो तुम्हारे पास पेन और नोटबुक तो होनी चाहिए ना। मैं भी हेडोनिस्ट हूँ, खाते पीता रहता हूँ और यहाँ तक कि नींद में भी। हाँ तो हेडोनिस्ट होना ना, तुम किसी के लिए कुछ गलत नहीं करोगे अगर हेडोनिस्ट होगे। आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। अच्छा, अनमोल का सबसे पहला आंसर आया है सी, नहीं, रचिता का पहला आंसर आया है सी, सुचित्रा का भी सी, गोविंद का भी सी, सब का सी और मेरा भी सी, बिल्कुल सही बताया आपने। ट्रांस माइग्रेंट, ट्रांस माइग्रेंट का मतलब है एक ऐसा आदमी जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री के में जा रहा है, पर उसे बीच में कहीं रुक जाना पड़ा है किसी भी कारणवश, तो वो कौन है, ट्रांस माइग्रेंट है। इसके पास फिलहाल के लिए, जैसे मान लो तुम्हें इंडिया से अमेरिका जाना था, तो तुम्हारी 24 आवर्स की फ्लाइट थी, हुआ क्या कि तुम्हारी फ्लाइट को कहीं लैंड करना पड़ा 12 घंटे बाद, और तुम उसी कंट्री में 5 या 6 दिन रहना पड़ा तुम्हें किसी कारणवश। तो ये क्या था, तुम्हारे पास ना घर था, ना जॉब थी, ना प्रॉपर्टी थी, तुम थे ट्रांस माइग्रेंट। ये यूजुअली वो लोग होते हैं, पहले हुआ करते थे एक कंट्री से दूसरे में जा रहे हैं, पर बीच में ही कहीं अटक जाते थे, तो उन्हें ट्रांस माइग्रेंट बोलते थे। अब ये लोग मुश्किल से मिलते हैं। ट्रूएंट कौन होता है,
इंप्रूवमेंट होता है जो अपनी कामचोर जिसे आप बोलते हो स्लैकर, कामचोर, ये अपना काम ही नहीं करेगा तुम, और ना ये तुम्हें बेवकूफ बनाएगा, कुछ का कुछ करेगा। अच्छा डिरिलेक्ट कौन होता है? डिरिलेक्ट होता है नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट कौन होता है? अगेन ये दोनों ना सेम होते हैं, डिरिलेक्ट, नेग्लिजेंट, स्लैकर, ये वो लोग होते हैं कामचोर जो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं करते, नॉट रिस्पॉन्सिबल, इनको ड्यूटी नहीं दी जा सकती, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होते बिल्कुल। ठीक है, डेलीगेट कौन होते हैं? डेलीगेट होते हैं जो किसी कंपनी के लिए या किसी बेसिकली कंट्री के लिए काम करते हैं, ऑफिशियल्स। ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स, डेलीगेट्स, ऑफिशियल्स, ये कौन होते हैं? कर्मचारी कह सकते हो। सी इज द करेक्ट आंसर, ऑफिसर्स होते हैं। समझ आता रहे, थम्स अप देते रहिए, डाउट है तो पूछिए। भाई मेरे जल्दी से शेयर तो कर दो सेशन को, लाइक नहीं करोगे क्या? लाइक कर दो और शेयर कर दो चीते की फुर्ती के साथ। हाँ, और जरा आउट ऑफ 5 मुझे अपना स्कोर बता दो, मेरी बड़ी इच्छा हो रही है तुम्हारे कर्म देखने की। हाँ, नेग्लिजेंट का, हाँ जल्दी से आंसर बताइए। अच्छा 3 बता रही है नैन्सी रहेजा, बी रचिता का पहला आंसर आया है बी, गोविंद प्रजापति कह रहे हैं ए। अच्छा जी, दो आंसर आ गए, लेट्स सी, 3 है बत्तू के, बहुत बढ़िया, 3 सुचित्रा के, 4 गोविंद प्रजापति ने स्कोर किया। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअरी इज द करेक्ट आंसर, समवन वर्स्ड इन द एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा का क्या मतलब है? अब देखो ये क्लर्क बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि क्लर्क एक आदमी अलग होता है भाई, क्लर्क वो वाला आदमी होता है हु हैंडल, हु हैंडल्स अकाउंट्स, अकाउंटेंट, क्लर्क, ये होता है ना। ये एक्चुअरी कौन होता है? जो ये निकालता है कि भाई म्यूचुअल फंड्स कैसे बनेंगे, ठीक है, किसका पैसा कहाँ लगना चाहिए, कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट होना चाहिए, कहाँ से किस तरीके से हमें लोन देने चाहिए, ठीक है, और लोन की परसेंटेज कितनी रखना चाहिए, उनका टर्नओवर कितना रखना चाहिए, ये सारे एक्चुअरीज करते हैं। तो एक्चुअरी एक ऐसा आदमी होता है जो सारी फाइनेंशियल एनालिसिस जानता है, सारा न्यूमेरिकल डेटा को अच्छे से कर सकता है। प्रोडिजी का क्या मतलब होता है? प्रोडिजी का मतलब होता है दिग्गज, ठीक है, टैलेंटेड, टैलेंटेड एट यंग एज, उसे हम बोलते हैं प्रोडिजी। और एंटरप्रेन्योर होता है बिजनेसमैन, ये बिजनेसमैन, और ये बहुत ही टैलेंटेड कोई यंग एज में, जैसे अभी एक वो बॉलर आया ना क्या, जिसने इंडिया को अब टेस्ट मैच हराने में बहुत बड़ा हाथ है उसका, कायले जेमिसन, कायली जेमिसन मोस्ट प्रोबेबली शायद उसका नाम है, तो 6.5 फुट का जो बॉलर है, स्मार्ट सा गोरा सा, दैट इज अ प्रोडिजी। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, है ना, न्यूजीलैंड का बॉलर। समझ आता रहे, थम्स अप देते रहिए, डाउट है तो पूछते रहिए बहुत तेज चीते की फुर्ती के साथ। जेमिसन, जेमिसन, हाँ, कायली जेमिसन इज द नाम, इज द नेम ऑफ द पर्सन। बोल, याद रखना इस पे भाई, जीएस में भी क्वेश्चन आ सकता है, इसने वॉट लगा दी इंडिया की। अच्छा सी, अब कुछ लोग बता रहे हैं ए, 7th में कुछ बता रहे हैं सी, कुछ लोग बता रहे हैं ए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखिए, अन अंडरग्राउंड रूम ऑफन यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स, तो मैं पहले बताता हूँ यहाँ पे क्या क्या स्टोर करते हैं लोग। लोग यहाँ पे कुछ वाइन स्टोर करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारे पास कबाड़ होता है, स्पेयर थिंग्स, फालतू की चीजें, ठीक है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें, ये बेसिकली क्या होता है, घर का गोडाउन होता है, और इसे हम सेलर बोलते हैं, सेलर। ग्रैनरी क्या होता है? ये एक ऐसी प्लेस होती है, प्लेस वेयर ग्रेन्स आर स्टोर, जहां पे अनाज रखा जाता है। तो अनाज से तो कोई मतलब नहीं है इसका। बेसमेंट और गैरेज में खड़ी होती है, कार व्हीकल के लिए होता है। और बेसमेंट में तो भाई कुछ भी कर लो, जरूरी थोड़ी हो कि वहां पे आप स्टोरी करोगे चीजें। बेसमेंट में बहुत सारे लोग अपना कोई टेनिस कोर्ट बना लेता है, बेसमेंट में मतलब लोग कुछ भी काम करते हैं। अब हमारे यहाँ बेसमेंट में लोग बिजनेस भी करते हैं, बट सेलर नहीं बोल सकते उसे। सेलर वही होगा जहाँ पे कबाड़ पड़ा होगा, वाइन रखी होगी, या तुम्हारी कुछ काम की चीजें रखी होंगी। सो ए इज द करेक्ट आंसर। समझ आया तो हम सब दे दीजिए, डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ जी, जिसने बी सी डी लगाया सारे के सारे गलत हो गया, आई एम वेरी सॉरी टू से,
आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 8। मजा आ रहा है सेशन में? नहीं तो लाइक करोगे बहुत तेज, मजा आ रहा है तो लाइक कर दो जल्दी जल्दी। देखो 33 बच्चा 34 बच्चा देख रहा है और लाइक है 30, तो चार कंजूस जो प्यारे प्यारे मेरे बच्चे हैं वो लाइक कर दो, है ना। कोई कंजूस नहीं रहना चाहिए जिंदगी में, जितना बांटोगे उतना मिलेगा, ये दानवीर कर्ण दिखा गया है तुम्हें महाभारत में, बाकी तुम्हारी इच्छा है तुम्हारी श्रद्धा है। अब देखो कोई ए बता रहा है इसका आंसर, कोई बी बता रहा है इसका आंसर, कोई डी बता रहा है, भाई कोई सी भी बता दो, चारों हो जाएंगे। अब देखिए होता क्या है, अ पर्सन हु आस्क्स समवन टू डू समथिंग, कोई आदमी है किसी को कुछ कहने के लिए बोल रहा है, बिकॉज क्यों, बिकॉज ही वॉन्ट्स और नीड इट वेरी मच, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा चाहिए, तो वो कौन है, इम्प्लोरर। इम्प्लोरर कौन होता है, हु अर्जिस, हु बिसीचेस, BESECH, beseech, beseech का क्या मतलब होता है, earnest request, earnest request जो करता है, who implores, implore का मतलब देखना, IMPLORE, implore का मतलब होता है एकदम गड़गड़ाना कि भाई दे दे यार कुछ भी ले ले चाहे मुझसे पर प्लीज दे दे, वो होता है implorer। mendicant तो beggar होता है, ये तो भिखारी है, और भिखारी तुम्हें पता है जरूरी नहीं है कि भिखारी को तो हमेशा ही जरूरत है। mendacious होता है झूठा, liar, mendacious is liar। नीडी आपको पता ही है जरूरतमंद, तो आंसर हो जाएगा सी। समझ आया, थम्स अप दीजिए, डाउट पे पूछिए। देखिए यही आंसर इसलिए होगा बिकॉज ही वांट्स और नीड इट वेरी मच, तो वो इम्प्लोर तभी करेगा। समझ आया, थम्स अप दीजिए, डाउट है तो पूछिए। नीडी दूसरी बात डी ऑप्शन है और सी ऊपर है, तो ऑब्वियसली बात है हम वैसे भी सी ही सेलेक्ट करेंगे, और नीडी एक जनरल वर्ड है, इम्प्लोरर उसी के लिए आएगा जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है। नीडी तो मैं भी हूँ, बड़ी जरूरत है किसी के पास हो, 3-4 करोड़ दे दो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ बहुत तेज चीते की फुर्ती के साथ। That cannot be stopped or changed, रोका नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता, डी और बी आंसर आ रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद स्कोर देखूंगा मैं, देख रहा हूं जिस जिसने यहां पे गड़बड़ करी है, गलत गलत आंसर लगा रहे हो तुम लोग भाई। मेरे आंसर हो जाएगा ए, इनएक्सोरेबल मतलब स्टबर्न, जिद्दी अड़ियल मथूस, इनट्रांसिजेंट, ये सारे के सारे जिद्दी अड़ियल मट्टूस होते हैं। इम्प्रेग्नेबल कौन होता है, दैट कैन नॉट बी डिफीटेड, दैट कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसको हराया नहीं जा सकता हो, है ना, इम्प्रेग्नेबल बोलते हैं तुम, इनविंसिबल भी बोलते हैं, तोड़ा नहीं जा सकता हो, तो इम्प्रेग्नेबल इज बेस्ट। अच्छा आइडियोसिंक्रेटिक कौन होता है, आइडियोसिंक्रेटिक का मतलब होता है कोई ऐसा आदमी है जो बड़ा अजीब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे एक टीचर थे, वो क्या करते थे ना कि वो मतलब अगर कोई उनकी क्लास में हंस गया तो वो पिटना उसका अनिवार्य है, चाहे कुछ हो जाए, वो चाहे किस मूड में हो, अगर उन्हें आवाज आ गई, अगर इतनी भी आवाज आ गई ना, तो भाई वो बहुत मारते थे, पटक पटक के मारते थे। तो सिंह वो कौन से आइडियोसिंक्रेटिक, मैं उन्हें समझता था भाई हंसने पे क्यों मार रहे हो, तो इसको बोलते हैं जो बहुत ज्यादा वियर्ड हो, है ना, अजीब हो, इडियोटिक, इडियोटिक या वियर्ड कौन सिंक्रोक्रेट है ना, आइडियोसिंक्रेटिक बोलते हैं। इनडिलीएबल का क्या मतलब होता है, इनडिलीएबल का मतलब है दैट कैन नॉट बी डिलीटेड, दैट कैन नॉट बी डिलीटेड, जिसको डिलीट नहीं किया जा सकता, तो मेरे बच्चे आंसर हो जाएगा ए। समझ में आया, थम्स अप दीजिए, डाउट है तो पूछिए, बहुत तेज चीते की फुर्ती के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो मैं भी 6th, 7th, 8th की बात बता रहा हूँ, 30-35 मतलब मैं होऊंगा उस समय, कौन से क्लास में, हाँ 8th तक थे वो, ए तक तो मुझे याद है, उन्होंने मुझे मारा था भाई, अब कोई नहीं, टीचर है तो मार ही सकते हैं हमारे जमाने में तो, एटलीस्ट बस सेशन को लाइक करते रहो भाई जितना बच्चा है, और देखो हर पेज पे नया माल मिल रहा है, और इसके बाद मैं तुम्हारा स्कोर्स देखूंगा, और लेट्स सी कहाँ क्या स्कोर्स हैं आपके। हाँ जिद्दी अड़ियल मट्टू उसकी बोलते हैं, स्टबर्न को, सही है, याद हो गया सारे समय सर। स्टबन और स्टॉप का क्या कॉम्बिनेशन है, मतलब आप उसे रोक ही नहीं सकते हैं, अगर उसने डिसाइड कर लिया है कि मैं नहीं पढ़ूंगा तो वो नहीं पढ़ेगा, तो वो स्टबन है, या उसने डिसाइड कर लिया नहीं मुझे नहीं पता मुझे तो यही चाहिए, तो आप उसे रोक ही नहीं सकते हैं, दिस इज द रीजन। और डी आंसर नहीं हो सकता, इनडेलिबल का मतलब है दैट कैन नॉट बी डिलीटेड, जिसे मिटाया नहीं जा सकता, समझे। सो द एक्ट ऑफ बरिंग अ डेड, ये क्या होता है,
हाँ जी, ये आंसर आपने बिल्कुल सही दिया, और मुझे लग रहा है ये आंसर दिया आपने एलिमिनेशन से, क्योंकि पिलफरेज का मतलब होता है स्टीलिंग, चुराना, तो चोरी करना, स्टीलिंग। नेल का मतलब होता है जो डेथ बेल होती है ना, जब कोई मर जाता है तो उसके फ्यूनरल में बेल बजती है, अंग्रेज बजाते हैं, मतलब क्रिश्चियंस, फ्यूनरल बेल होती है तो वो बजाते हैं। टन टन, जो अंडरटेकर आता था ना, अंडरटेकर आता था जब WWE में, तो जो बजती थी दैट इज नेल। और डिगिंग का मतलब होता है खोदना, है ना, टू मेक अ डिग, गड्ढा बनाना। तो आंसर हो जाएगा इंटरमेंट। इंटरमेंट क्या होता है, किसी को दफनाने का कार्य, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो भी प्रथा होती है ना, फ्यूनरल जो किसी को दफनाने का होता है उसे ए, इंटरमेंट। समझ आया, थम्स अप दीजिए, डाउट है तो पूछिए। आउट ऑफ 10 10 जल्दी से मुझे स्कोर बताइए, जरा मैं देखूं कि आपकी क्या हालत है आज के सेशन में, आउट ऑफ 10 स्कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज शानू भाई छाए हुए हैं, शोभा भी आई है। आंसर बताइए जल्दी जल्दी, हाँ, और स्कोर बताइए। गोविंद प्रजापति क्या है, 7। आज रश्मिता, आज रचिता के स्कोर कम है भाई, 5, पर ईमानदारी वाला स्कोर है। नैन्सी रहेजा 7, बत्तू विश्वास 7, शोभा 7, आज सबके आज हाईएस्ट स्कोर मुझे 7 दिख रहा है। अरुण कुमार नायक 4, रुचिता सुचिता ठाकुर 5। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर आ गया। हितांशी त्रिवेदी बी बता रही है भाई इसका आंसर, जल्दी जल्दी बताइए। द एक्ट ऑफ कन्फाइनिंग समवन इन अ प्रिजन, आरपी चैनल बता रहे हैं 3। देखिए एक बार जरा देखते हैं, द एक्ट ऑफ कन्फाइनिंग समवन इन अ प्रिजन, जेल में डाल देना किसी को। हाँ भाई, तो नैन्सी रहेजा 8, रश्मि मेहता नायक बी, असुषिता ठाकुर सी, बी भाई सबका गलत आंसर इज ए, इंटरमेंट होता है ये। देखो इन दोनों में डिफरेंस है, ये होता है किसी को जेल में डाल देना, कन्फाइनिंग समवन इन अ प्रिजन, तो जेल नहीं कैद में, जेल नहीं है बेसिकली, ये कैद है, कहीं भी पिंजरे में बंद कर देना कहीं भी, दैट इज इंटरमेंट, है ना। और इंटरमेंट क्या होता है, ये फ्यूनरल था जिसमें हम बरी करते हैं, बरिंग। तो देखो स्पेलिंग में भी डिफरेंस है, प्रोनाउंसिएशन में, ये इंटरमेंट है और ये इंटरमेंट है, ये इंटरमेंट, ये इंटरमेंट। इंटरस्टेट ये हमारी विदाउट विल था, याद आया, पहले पहले क्वेश्चन पे कराया मैंने, पहले पेज पे, विदाउट लीगल विल, लीगल विल नहीं है इसके पास, कहने का मतलब है इसके पास जो विल होती है ना मरने से पहले, जो वसीयत होती है, वसीयत नहीं है, तो इंटर, तो वो एंटी स्टेट बोलते हैं। और इनर्जेंडम का मतलब होता है पीरियड, दो पीरियड के बीच का कोई पीरियड होता है तो उसे हम इनर्जेंडम बोलते हैं, जैसे कोविड जब से शुरू हुआ और जब खत्म होगा उसके बीच के पीरियड की हम बात करें तो हम उसे इनर्जेंडम बोल सकते हैं, इनर्जेंडम। समझ आया, थम्स अप दीजिए, डाउट है तो पूछिए, ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, इनर जेनम, प्रोनाउंसिएशन भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ए ए ए ए बता रहे हैं, शानू बता रही है 6 out of 10, स्कोर तो कम जा रहा है। अब ये मेरे बाद ये लगाने से कोई फायदा नहीं है भाई, गलत तो हो गया। देखो भाई मेरे लाइक कर दो, सबसे इंपॉर्टेंट है सेशन को लाइक करना, मैं बीच में रुकवा के शेयर करा लूंगा, नहीं तो ना तुम्हें अच्छा लगेगा ना मुझे लगेगा। लाइक करते रहो जो भी नया आता रहे, बस। पहला आंसर आया है बी, चीयर लीडर अरुण कुमार नायक कह रहे हैं ए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं बी, कुछ बच्चे बोल रहे हैं ए, बहुत आसान क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा इसका ए, पार्टीशन, एन आर्डेंट और इंथुजियास्टिक सपोर्टर ऑफ समवन, जो किसी को बहुत तरीके से सपोर्ट करता है। चीयर लीडर तो दोनों पे नाचती है भाई, चीयर लीडर, हाँ, और जो चीयर लीडर जो होता है ना, ये चीयर लीडर कौन होता है, ये क्या होता है, मोटिवेटर होता है बस, ठीक है, मोटिवेटर होता है, ये मोटिवेट करता है और एंटरटेनर होता है, ठीक है, ये सपोर्टर होता है। और ये आर्डेंट का मतलब होता है होपफुल कि जीतेगा ही, तो ये पार्टीसन होता है, पक्ष में जो खड़ा होता है, ये होता है एक वेरी क्लोज फ्रेंड, चम, वेरी क्लोज फ्रेंड, एकदम लंगोटिया यार। डिसाइपल कौन होता है, डिसाइपल होता है तुम्हारा चेला, है ना, ट्रेनी, जिसको तुम कुछ सिखा रहे हो, स्टूडेंट, चेला। आंसर इज ए, ए इज द करेक्ट आंसर। समझ आया था हम सब, डाउट है तो पूछिए।
हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 13th, आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी से आंसर बताइए। तो किस किस का सही हुआ यहाँ पे? हाँ, जिसने ए लगाया उसका ठीक हुआ, बाकी सबका गलत हो गया। बी बी बी, देखिए भाई, याद रखिए, अ पर्सन हु क्लेम्स, एक ऐसा आदमी, जैसे आपने मूवी देखी होगी अगर 300 BC, नहीं देखी है तो भाई अब देख लेना, इंपॉर्टेंट मूवी है, मजा आएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी मूवीज है जो आप देख सकते हैं, उसमें सीर दिखाया है। सीर कौन होता है? अगर आपने वाइकिंग्स अभी तक नहीं देखा है नेटफ्लिक्स पे, तो वहां से भी आप देख सकते हो, उसमें भी सीर दिखाया है। सीर कौन होता है? एक गंदा सा आदमी होता है, देखने में बाबा जैसा, तांत्रिक जैसा लगता है, और वो फ्यूचर के बारे में बताता है ना, कि किसका बेटा क्या बनेगा, कोई प्रलय आने वाला है, कोई तबाही आने वाली है, तो वो होता है सीयर। सीयर बोलते हैं उसे, सीयर। सिंस्टर कौन होता है? सिंस्टर कौन होता है? सिंस्टर होता है पापी, इविल, है ना, शैतानी, डिमोनिक, डायबॉलिकल, तीनों वर्ड ये आते हैं शैतानी के लिए, लिख लो, खतरनाक डेंसर। विच आप जानते हैं, ये होती है चुड़ैल, ये भी चुड़ैल होती है, विच को कह सकते हो, ये भी इविल स्पिरिट, पर ये याद रखिए फीमेल होती है, इसके पैर उल्टे होते हैं। मेरी नानी ऐसे बोलती थी, ही ऐसे बोलते हैं ना कि ही करके, नानी बताती थी उसके पैर उल्टे होते हैं, पर मुझे कभी आज तक मिली नहीं है, मैं ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, हाँ, मुझे बहुत सारों में दिख गई पर मुझे मिली नहीं। मैजिशियन कौन होता है? जादूगर, ये तो आप जानते हैं, ए इज दी करेक्ट आंसर। समझ आया तो हम सब, दीजिए डाउट है तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताइए। जल्दी मिलेगी? अरे नहीं भाई, भगवान ना करे। हाँ, वैसे मेरा इच्छा बहुत है कि मुझे कोई चुड़ैल मिले, आई वॉन्ट टू सी कि उल्टे पैरों में आदमी कैसे लगता है। ठीक है, मैं उसके साथ एक सेल्फी जरूर लूंगा कि भाई उसके बाद चाहे तो मुझे मार दीजिए, मैं सेल्फी लेके एक बार अपने फेसबुक इंस्टा पे सब जगह, मतलब भाई मरने से पहले कुछ ऐसा काम तो करो, लगना तो चाहिए, आसान मौत नहीं थी चुड़ैल ने मारा, है ना। वैसे जस्ट किडिंग, ये सब होता नहीं है, सॉर्ट सुपरस्टिशन। बिल्डिंग वेयर द ज्यूस मीट फॉर रिलीजियस वर्शिप, ज्यूस जहां पे मिलते हैं रिलीजियस वर्शिप के लिए, जल्दी से आंसर बताइए। कॉन्ग्रीगेशन, पहला आंसर आइए अनामिका पाठक का, हाँ जी, सेल्फ इंस्टाग्राम पे, बिल्कुल। देखो भाई, ये होगा साइनागॉग। साइनागॉग का मतलब जानते हो? साइनागॉग का मतलब होता है बेटा, ये जैसे हमारे पास ये टेंपल किसका होता है, ये वर्शिप प्लेस है किसकी? हिंदूज की बेसिकली। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है मीटिंग, असेंबली, ठीक है। और डेमागॉग का मतलब होता है लीडर, वो भी कौन सा लीडर है? ये फेक लीडर होता है, अच्छा लीडर नहीं होता है, फेक या बैड लीडर, तो हम डेमागॉग बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो आंसर हो जाएगा साइनोगॉग हो जाएगा, जैसे हिंदूज का टेम्पल होता है, मुस्लिम्स की जगह को मॉस्क बोलते हैं, मॉस्क मुस्लिम्स के लिए होती है, ऐसी साइनोगॉग बोलते हैं उस जगह को जहाँ पे ज्यूस, ज्यूस मतलब जो जुडाइज्म फॉलो करते हैं, यहूदी, जुडाइज्म इज देयर रिलीजन और ज्यूस आर द पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो भाई ये आ गए मजेदार वाले क्वेश्चन, और इसमें लगाना पड़ेगा दम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लीज एंड काइंडली? काइंडली का, काइंडली जरा फॉर्मल होता है, ठीक है, और वो ऑफिशियली यूज होता है। वहां पे प्लीज में आप बिसीज करते हो, प्लीज। काइंडली का मतलब होता है कि मैं आपसे ये बात, ये आपको करना तो है, ये तुम्हें करना तो है, मैं तुमसे कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, पर मैंने जो काइंडली बोला है ये इसलिए बोला है कि तुम्हें कहीं बुरा ना लगे यार, मुझसे कह रहा है कि ये काम कर दो। तो काइंडली का मतलब है पोलाइट, है ना, पोलाइट वे में अगर आप किसी को कुछ बोलते हो तो काइंडली। नहीं, साइनागॉग यहूदी नहीं होता, जो जो यहूदी वो होते हैं जो साइनागॉग में जाते हैं वर्शिप करने, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अ ज्यू, जैसे कि हमारे पास अभी जो स्टीफन हॉकिंस, वो वैसे तो अथीस्ट हो गए थे बाद में, बट ही वॉज फ्रॉम अ ज्यू फैमिली। जल्दी आंसर बताओ बहुत तेज, चीते की फुर्ती के साथ। ऐसा क्वेश्चन जब भी तुम करो ना, तो सबसे पहले सबसे आसान वर्ड देख लो। सबसे आसान वर्ड है वैंडल। वैंडल वो होता है जो बस जलाता है, पुलिस स्टेशन जलाता है, पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करता है। अ पर्सन हु डिस्ट्रॉयज पब्लिक प्रॉपर्टी, सरकार की प्रॉपर्टी खराब करता है। तो सेकंड का डी,
तो सेकंड का डी कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ है? लो भाई खत्म हो गया क्वेश्चन, और कहीं है ही नहीं। अब इसी से मिला लो, फर्स्ट का सी हो जाएगा। सफरेज किसे बोलते हैं? राइट टू वोट इन अ पॉलिटिकल इलेक्शन को हम सफरेज बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट का सी हो जाएगा। टोपोलॉजी क्या होता है? टोपोलॉजी का मतलब हो जाएगा थर्ड का ए, ये रहा। द एक्ट द पार्ट ऑफ समथिंग आर अरेंज और रिलेटेड। टोपोग्राफी आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, तो टोपोलॉजी क्या होता है, क्या करना है कि आप किसी चीज की पार्ट को अरेंज कैसे करते हैं या कैसे लगाते हैं, उसको हम टोपोलॉजी बोलते हैं। वर्चुओसो कौन होता है? अ पर्सन समवन डैजलिंग स्किल्ड इन एनी फील्ड, मतलब दिग्गज, लेजेंड किसी चीज का, डैजलिंग स्किल्ड है, डैजलिंग स्किल्ड, तो लेजेंड कह सकते हो, ठीक है। जैसे एलन मस्क है स्पेस क्राफ्ट, या एलन मस्क का नाम आपने सुना ही होगा, तो एलन मस्क कौन है? वर्चुओसो है, डिजलिंग स्किल्ड है उसके अंदर, जब हम बात करते हैं टेस्ला की। तो आंसर हो जाएगा ए, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कोर बता दो भाई आउट ऑफ 15, बहुत तेज, चीते की फुर्ती के साथ, चीते की फुर्ती के साथ स्कोर बता दीजिए। हाँ, यहूदी पूजा स्थल कह सकते हैं, स्कोर बताइए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। बहुत तेज चीते की फुर्ती के साथ, 10 बता रहे हैं बत्तू आउट ऑफ 15, 12 शोभा, 3rd का D यहाँ नहीं है, तो आंसर इन दोनों में से होगा। हमेशा इन क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन से करेंगे, एलिमिनेशन से बढ़िया तरीका नहीं है क्वेश्चन को करने का, और ये क्वेश्चन आपको बैंकिंग में भी मिल सकते हैं, सीईटी में तो मिलेंगे ही, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फर्स्ट का सी लगाओगे या बी लगाओगे, तो एक बार देखते हैं। अकॉर्ड आसानी से आपको मिल जाएगा, हैपनिंग बाय चांस नहीं होता। एन ऑफिशियल स्टेटमेंट इन अ कोर्ट दैट एक्सोनरेट अ पर्सन, एक्सोनरेट का क्या मतलब होता है? मेक समवन फ्री फ्रॉम गिल्ट, तो उसे हम एक्विटल बोलते हैं, है ना, एक्विटल, एक्सोनरेशन, ये दोनों सिनोनिम होते हैं। इन दोनों का मतलब क्या होता है कि आपको छूट मिल जाना कोर्ट में, ठीक है, कि और किसी को दोष मुक्त मिल, दोष से मुक्ति मिल जानी, तो सेकंड का ए हो जाएगा। सेकंड का ए भी दोनों में दे रखा है। अगला क्या है? हैपनिंग बाय चांस, तो फोर्थ का सी होगा एडवेंटिशियस, ठीक है, एडवेंटिशियस। सिंपैथेटिक कंपैटिबिलिटी होती है अकॉर्ड, तो आंसर हो जाएगा थर्ड का सी, डी इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गया? एडवेंटिशियस कौन होता है? एडवेंटिशियस होता है, अरे जो बाय चांस हो गया, है ना, एक्सीडेंटली या इंसिडेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी से आंसर बताइए, बहुत दिन बाद लेके आऊं ये वाले क्वेश्चन आज। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, जल्दी। विद्यालय वाले बच्चा डी बता रहे हैं, डी 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 डी। तो चलो देखो, अमॉर्फस कितनी बार कराया मैंने तुम्हें रूट वर्ड में, आर्सोनिस्ट, बेल, कैनाइन, सारे हैविंग नो डेफिनेट फॉर्म, अमॉर्फस। तो फर्स्ट का डी लगा दो, फर्स्ट का डी यहाँ रहा, अरे बी आंसर हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। भाई डी क्यों लगा रहे थे मेरे भाई, डी किस किसने लगा दिया? ये डी 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 जिसने लगाया सबका गलत हो गया, आंसर बी होगा, है ना। एमॉर्फस कई बार कराया जिसका कोई शेप ना हो, मॉर्फ का मतलब शेप से होता है, ठीक है। अ क्रिमिनल हु इज लीगली सेट्स फायर टू प्रॉपर्टी, आर्सोनिस्ट होता है जो आग लगा दे, है ना, जो कहीं पे आग लगा देता है उसे आर्सोनिस्ट बोलते हैं। तो सेकंड का सी भी बिल्कुल सही बोला है, अ लार्ज बंडल फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, उसके लिए बोलते हैं बेल। गठरी जानते हो, गठरी, बोरी, पोटली, पोटली, गठरी, बोरी, उस सबको बोलते हैं बेल। बेल मतलब ऐसी सी कोई चीज़ जैसे मम्मियाँ बचपन में मेरे बनाती थी, तो यहाँ पे बहुत सारे कपड़े डाले, कपड़े डाले और एक कपड़े में बंद करा और ऊपर लगा दी गांठ, तो दैट इज़ कॉल्ड बेल। ये मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, पर मेरी भावनाएं बहुत अच्छी हैं जिससे मैंने आपको समझा दिया। डॉग से रिलेटेड कोई भी चीज़ कैनाइन कहलाती है, ठीक है, कैनाइन, ये उनकी फैमिली का नाम है, तो बी इज़ दी करेक्ट आंसर। समझ में आया? तुम सब दीजिए, डाउट है तो पूछ लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली ऑप्शन फोर इज कनेक्ट, नहीं ऑप्शन फोर करेक्ट नहीं होगा बेटा, आंसर इज बी, डी नहीं होगा। अच्छा किसका मीनिंग समझ में नहीं आया, बेल, बेल होती है गठरी। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ी सी मैं कोटली रूप क्या बना के दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल हाँ ये मेरे पास एक कपड़ा है और मैंने क्या किया इस कपड़े में बहुत सारी चीजें भर ली और भर के ये बड़ी सी बना ली। और तुमने देखा होगा गांव से लोग आते हैं शॉल वॉल बेचने और ये कंधे पे डाल ली ना अगर ऐसे, सो दिस इज कॉल्ड गठरी। अब आ गया समझ में, वो कंधे पे लेके चलता है गठरी, तो गठरी इज बेल है ना, अ बैग जो के परमानेंट नहीं है टेम्परेरी है, बड़े कपड़े में ही आपने बैग बना लिया। अब तो आ गया समझ, और क्या चाह रहे हो मेरे से करवाना, एक्ट ऑफ एक्यूमुलेटिंग, एक्यूरल, एक्यूमुलेट का क्या मतलब होता है एक्यूरल, जब तुम इकट्ठा करते हो एक्यूरल आ गया है ना। जैसे तुमने देखा ना कि मेरा एक फ्रेंड है ही इज खैर वो उसके साथ क्या है कि उसकी जब भी सैलरी आती है ना एक बड़ा पैसा निकाल के सेविंग में, और जो बचेगा भाई मेरी सैलरी में इतनी ही मानता हूँ बाकी सेविंग में गई, ठीक है निकालता कभी नहीं है, तो वो क्या करता है एक्यूरल करता है। एक्सट्रीमली यंग मैन को बोलते हैं एडोनिस, अगर कोई बहुत ही हैंडसम है और एकदम जवान लगता है तो उसको हम बोलते हैं एडोनिस। तो ये फोर्थ का हो जाएगा डी, फोर्थ का डी यहाँ है, अरे भाई और कहीं नहीं है, आंसर आ गया डी इज दी करेक्ट आंसर, नॉट प्रिपेयर्ड और प्रैक्टिस्ड है ना। ये क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं एडलिप, एडलिप का मतलब है एक्सटेम्परी, एक्सटेम्पोर, एकदम बिना प्रिपरेशन के बिना प्रैक्टिस के। और हार्श इन टोन होता है एसर्ब, एसर्बिक सुनने सुना होगा, एसर्बिक हार्श होता है। क्लियर है, क्लियर है तो जल्दी से लाइक तो करो यार सेशन को, आप लाइक भी नहीं कर रहे हो, फटाफट लाइक करके सेशन को आगे बढ़ाते रहो। हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू सो मच सुचित्रा, अच्छा अच्छा लग रहा है मुझे। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए जल्दी से, द हॉस्पिटल इज कंस्ट्रक्टेड अंडर द काइंडली एंडोर्समेंट एंड गाइडेंस ऑफ सहगल ग्रुप ऑफ कंपनीज, बी 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 बी, अच्छा कुछ बी बता रहे हैं और कुछ सी बता रहे हैं, जैसे रचिता बता रही हैं सी, तो देखिए बी इज द करेक्ट आंसर क्योंकि एजिस का मतलब होता है सपोर्ट, ठीक है, और एन का मतलब होता है वेरी लॉन्ग पीरियड एरा, वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है ना। एरियल का मतलब होता है हवाई, रिलेटेड टू एयर, जैसे एरियल अटैक है ना हवाई। एजिस्ट का मतलब जैसे तुमने रेसिस्ट सुना होगा, आर ए सी आई एस टी, रेसिस्ट, ये रेसिस्ट कौन होता है जो क्या करता है काला गोरा करता है ना, रेस में फर्क करता है, तो एजिस्ट कौन होता है, हु डिस्क्रिमिनेट्स, इन द नेम ऑफ एज, जो क्या एज के लिए डिस्क्रिमिनेट करता है, मतलब कह रहा है ये तो बच्चा है भाई, बच्चों हो गया है ये तो बुढ़ा है निकल, तो ये क्या होना, ये एजिस्ट है, या फिर कोई बूढ़ा है और वो सोच रहा है जवान, आज के जो लोग है ना ये जवान तबका तो एकदम बेकार ही है, तो ये कौन हो गया, ये एजिस्ट हो गया। आंसर इज बी, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, आंसर बताइए बहुत तेज चीते की फुर्ती के साथ, बस मजा आता रहे तो लाइक जरूर करिए भाई सेशन को, सबसे इंपॉर्टेंट है सेशन को लाइक करना, लाइक बढ़ाते रहिए। रॉबर्ट इज वाइट इन कॉम्प्लेक्शन ड्यू टू द कॉन्जेनिटल का मतलब तो फेवरेबल होता है, कॉन्जेनिटल एब्सेंस इन पिगमेंटेशन, ये क्या होता है, आपने देखा होगा बचपन में भी और बहुत टाइम से आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी स्किन एकदम वाइट होती है, ठीक है, जिसे हम जैसे मेरे मतलब हमेशा कहीं ना कहीं एरिया में आसपास स्कूल में उसके ये आईब्रोज भी वाइट होंगी, ये भी वाइट होंगी, उसके बाल भी वाइट होंगे, उसकी पूरी बॉडी वाइट होती है, कुछ ब्लैक नहीं होता क्योंकि उसके अंदर बहुत
पिगमेंट, उसको हम एल्बिनिज्म बोलते हैं। ये एक डिसऑर्डर होता है, एक तरह का स्किन और बॉडी डिसऑर्डर, उसे बोलते हैं एल्बिनिज्म। ठीक है, एलियोट्री एक बिल्कुल अलग चीज है। एले का मतलब होता है मिटिगेट, भाई किसी की पीड़ा को, उत्पीड़न को, किसी के दर्द को अगर आप कम कर देते हैं तो आपने क्या कर दिया, आपने उसको एलिविएट कर दिया। इसके लिए और भी सिनोनिम आते हैं, एलिविएट, मिटिगेट, पैसिफाई, मॉलिफाई, सारे लिख लीजिए। इन सब का मतलब क्या होता है, किसी की पीड़ा को, उत्पीड़न को कम कर देना। जस्ट वन सेकेंड गाइस। ठीक है, अच्छा, एल्गोरिज्म इज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। कैलकुलेशन या फिर मैथमेटिक्स और द लास्ट वर्ड दैट इज एलियोट्री। तो एलियोट्री का मतलब होता है, मतलब जिसका कोई हिसाब ना हो, जिसका कोई पैटर्न ना हो, रैंडम कह सकते हो, रैंडम। ठीक है, विदाउट एनी फिक्स्ड पैटर्न। तो उसे हम बोलते हैं एलियोट्री। तो ये चारों वर्ड लिख लीजिए, इसी में से फंसेंगे आपके पास एग्जाम में वर्ड, सारे नए वर्ड है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताइए। हैप्पी कुमारी राजपूत, वेलकम टू द सेशन। जितना बच्चा नया जुड़ा है, जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जुड़ जाओ और सेशन को लाइक कर दो, ताकि रेगुलर तुम्हें मेरी वीडियोस मिलती रहें। और मैं बता देता हूँ, कल मैराथन क्लास है। ठीक है, कल भाई 2 बजे से 2 PM मैराथन है, जिसमें मैं स्टेनोग्राफर के का मॉक टेस्ट करा रहा हूँ। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर है और ये क्लास होगी कहां पे, वाईफाई स्टडी पे, वाईफाई स्टडी पे 2 बजे 2 PM मैराथन होगी। 100 क्वेश्चंस होंगे भाई, भर भर के आ जाना, यू विल लर्न अलॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, आंसर बताइए। यस्टरडे वी विजिटेड द म्यूजियम ऑफ अ फेमस मेंबर ऑफ अ लेजेंडरी रेस ऑफ फीमेल वॉरियर। जानते हो क्या है, इसको क्या बोलते हैं, अमेजन। अमेजन इसी पे लगा गया है, अमेजन का मतलब होता है फीमेल वॉरियर। ठीक है, अमेजन का मतलब होता है फीमेल वॉरियर। अरे वो वाईफाई स्टूडियो है, स्टडी नहीं है। अच्छा, नाइट कौन होता है, नाइट होता है सोल्जर। एलिमनस कौन होता है, एलिमनस होता है जो तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारा प्रीवियस, तुम्हारे स्कूल में होगा, स्कूल मेट या फिर कंपनी मेट या फिर कॉलेज मेट, ये कौन होते हैं, तुम्हारे एलिमनस होते हैं, जो एक ही स्कूल से पढ़े हो। अच्छा, एम्प्यूटी कौन होता है, जिसका एक हाथ, टांग या हु हैज लॉस्ट अ लिम, जिसका हाथ या पैर या टांग कट गया हो उसको हम एम्प्यूटी बोलते हैं। सो आंसर इज बी, अमेजन कौन है, याद रखना, फीमेल वॉरियर है। क्या जबरदस्त नाम सोच के लाया ना अमेजन, क्या नाम है उसका, जेफ बेजोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, एम्प्यूटी क्लिनिक चंडीगढ़ में। तो भाई सेशन को शेयर तो करो मेरे बच्चे, बिल्कुल शेयर नहीं किया आज तुमने, या मुझे लग रहा है आज जब मैंने शेयर कराया उसी से हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 22, आंसर बताइए। The organism does not require air to live on. जल्दी जल्दी, 10 मिनट में मेरी क्लास है, दूसरी वाली 4:05 वाली क्लास है ना। The organism does not require air to live on, that's why survive on multiple layer condition, उसको हम बोलते हैं does not require, air की जरूरत नहीं है, तो उसे बोलते हैं anaerobe. Aerobe का क्या मतलब होता है, who requires oxygen, air या फिर oxygen। ठीक है, और एनएरोब का मतलब होता है जिसको नहीं चाहिए होती है, हवा वबा से मतलब नहीं पड़ेगा उसे इतना। ठीक है, समझ आ रही है बात। अच्छा, फंगस तो हम सब जानते हैं, हाँ, ऐप पे टेस्ट है बेटा, 4 बजे ऐप पे टेस्ट है, मैं पहले बता देता हूँ, 4 बजे ऐप पे टेस्ट है, 4:05 पे। तो अभी बस मैं 2-3 क्वेश्चन पे खत्म हो जाएगा ये। हाँ,
अच्छा ये एम्यूसिया क्या होता है, म्यूजिक से याद रखिए, एम्यूसिया क्या मतलब होता है, ये आदमी म्यूजिक नहीं सुन पाता, समझ नहीं पाता, इसको तुम एक गाना सुनाओ ठीक है तो इसको समझ में नहीं आएगा, मतलब हु डज नॉट अंडरस्टैंड टोन, टोन नहीं समझ पाता म्यूजिक की, उसे सुर और ताल कभी समझ में ही नहीं आते, म्यूजिक नहीं समझ में आता, आप इसे इन शॉर्ट कह सकते हैं म्यूजिकल डिसऑर्डर होता है। इसको सब गाने एक से लगेंगे भाई, आंसर इज ए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए, और जितना बच्चा नया जुड़ता रहे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट। द बिलीव दैट प्लांट्स ऑब्जेक्ट एंड नेचुरल थिंग्स ईच हैव लिविंग अ सोल, ये होता है एनिमिज्म। एनिमा किससे बना, एनिमा का मतलब होता है लाइफ या सोल से, ये रूट वर्ड है, ये मैंने आपको रूट वर्ड में कराया था, लाइफ या सोल से, है ना। तो एनिमेशन भी वही है, एनिमेशन भी क्या होता है, फिगर्स विच लुक्स लाइवली, है ना, जिनके अंदर लगता है लाइवली और अलाइव, जिंदा दिखती है, जिंदा दिल दिखती है, चमकीली दिखती है, वो एनिमेटेड होती है, जैसे एनिमेटेड कहते हैं ना मूवी, एनिमेटेड, एनिमेटेड मतलब उसके अंदर बहुत सारा एनिमेशन है, लाइफ दिखाई है उसके अंदर बहुत सारा, लाइफ और सोल से रिलेटेड होता है एनिमेशन, वो कार्टून भी एनिमेशन वाले वही उसी से रिलेटेड है। एनिमोसिटी का क्या मतलब होता है, हेट्रेड, शत्रुता, नफरत, एनिमोसिटी, एनमिटी, और मिस्टिसिज्म का क्या मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा ना कि भाई तुझे मोक्ष की प्राप्ति करवा देंगे ठीक है, या तुझे निर्वाणा प्राप्त हो जाएगा, तुझे ना पैसा चाहिए होगा, ना तुझे शादी करनी होगी, ना तुझे लड़की चाहिए होगी, ना तुझे नौकरी चाहिए होगी, कुछ भी नहीं चाहिए होगा ठीक है, तुझे जीवन से कभी कुछ नहीं चाहिए होगा, ऐसे तुम्हें बाबा बाबा लोग तुम्हें कहते हुए मिलेंगे, वो मिस्टिसिज्म को प्रमोट करते हैं। तो मिस्टिसिज्म का क्या मतलब होता है, ट्रांसेंडेंस समझ लो, ये ट्रांसेंडेंस होता है, ट्रांसेंडेंस मतलब सोल और ये आत्मा कैसे परमात्मा से मिलेगी, ये सारी चीजें मिस्टिसिज्म, नाम ही ऐसा है उसका, मिस्टीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए भाई, 4:05 पे ज्वाइन करेंगे फटाफट, पहले ये कर लेते हैं, टफन है ना, किसी को तुमने सख्त कर दिया है, मेटल को या ग्लास को कैसे गर्म करके, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जल्दी 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 भाई, प्रोसेस को बोलते हैं एनियल, ये सारे एक से एक बढ़िया वर्ड है, एनियल एनियल इसे ही बोलते हैं ऐसे प्रोसेस को। एनहाइलेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, मोल्ड का मतलब होता है जिसे तुम अपने हिसाब से मोड़ सकते हो, तो मरोड़ सकते हो, मोल्ड कैन बी मेड फ्लेक्सिबल, जो फ्लेक्सिबल हो सकता है। ब्रिटल का मतलब होता है ब्रेकेबल, जैसे हमारे पास जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक इज ब्रिटल ठीक है। सो आंसर इज सी, समझ में आया, थम्स अप दीजिए, डाउट हो तो पूछते रहिए, और लाइक करिए अगर क्वेश्चन में मजा आया हो। लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद फटाफट अपने स्कोर बताएंगे और हम आपको अलविदा कहेंगे, आउट ऑफ 25 बहुत तेज स्कोर बता दें, तैयार रखना अपने स्कोर, नहीं भूलने दूंगा शोभा कुमारी, क्योंकि इन सारे वर्ड्स का टेस्ट होगा आपका सैटरडे और संडे में, तो आपके पूरे हफ्ते की मेहनत में रंग लाएगी संडे में। डॉक्टर रिकमेंडेड जोसेफ डेस्ट टू प्रिवेंट एसिडिटी इन हिज स्टमक, जल्दी बताइए भाई, एंटासिड, वो घर में रखा होता है ना, वो एक पिंक कलर की बॉटल होती है डाइजीन, वो एंटासिड होता है, एंटासिड क्या होता है, ये डाइजीन जो होती है वो एंटासिड होता है, पैनेशिया होता है रामबाण ठीक है, क्योर फॉर ऑल सबके लिए, रामबाण को हम पैनेशिया बोलते हैं, एम्ब्रोसिया होता है प्रसाद या फूड ऑफर्ड, फूड ऑफर्ड टू गॉड है ना, वो खाना जो भगवान को चढ़ाया जाता है, एम्ब्रोसिया, प्रसाद के लिए वर्ड मिल गया आपको, और क्या चाहिए आपको, अल्कोहल तो तुम इससे बेहतर जानते हो। चलो अब जल्दी से आउट ऑफ 25 स्कोर बता दो बहुत तेज, चलो आउट ऑफ 25 बहुत तेज स्कोर बताइए। हाँ, और ये देखिए, ये मेरे दो क्लासेस होते हैं दिन में, अभी दो क्लासेस और हैं आपके साथ, 4:05 पे क्लास है पीएम,
और 4:55 पे भी क्लास है, कौन सा पीएम। ये दोनों ही क्लासें होने वाली हैं अभी अन अकेडमी ऐप पे, ठीक है। इसको देखने के लिए बस आपके पास ये कूपन कोड होना चाहिए और आप इसे देख लेंगे फ्री में, दानिश 10। हाँ जी, बस जल्दी से अन अकेडमी ऐप पे जाइए दानिश 10 और 4:05 वाली क्लास में लॉग इन कीजिए। यहाँ मिलेगा आपको मॉक टेस्ट, ये क्लास मेरी हर दिन होती है भाई, मॉक टेस्ट। और 4:55 वाली जो क्लास है इसमें आपको मिलेगा प्रैक्टिस बैच। तो अभी आपने वोकैबुलरी तो लगा रही है, यहाँ आप मॉक टेस्ट देखिए और यहाँ प्रैक्टिस बैच में PQRS, क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगा के आइए, ठीक है। तो लव यू ऑल, मिलते हैं अभी। जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं। गोविंद प्रजापति के आए हैं 19, बहुत बढ़िया। बाकी किसी ने स्कोर बताया नहीं मुझे, चलिए कोई नहीं, अब सीधे स्कोर देखेंगे क्लास में। लव